बल्कि जो चेहरों पे खुशी होनी चाहिए थी सरकार बनने के बाद, वो चेहरों पे उतनी खुशी नहीं दिखाई दी। महंगाई का जो सामना करना पड़ रहा है, ये बातें परिवार वाले बखूबी जानते हैं। हमें कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला, प्रधानमंत्री जी मिले हमें। 10 साल में अगर हम वहीं के वहीं खड़े हैं, इस सरकार का लगातार ये 11वां बजट है। 11वें बजट के बाद भी ना उम्मीदगी दिखाई दे रही है और सरकार में है तो सरकार के लोग तो अच्छी बात करेंगे ही, न केवल ना उम्मीदगी दिखाई दे रही है बल्कि जो चेहरों पे खुशी होनी चाहिए थी सरकार बनने के बाद, वो चेहरों पे उतनी खुशी नहीं दिखाई दी। ये 11वें बजट में बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, गांव के लिए और उनकी तकलीफ परेशानी का जो मुद्दा है वो 9-2-11 दिखाई दे रहा है मुझे। महंगाई में घर चलाना, बच्चों को पढ़ाना और घर के बड़े बुजुर्गों की दवा इलाज से लेकर के महंगाई का जो सामना करना पड़ रहा है, ये बातें परिवार वाले बखूबी जानते हैं। मैं जब सत्ता पक्ष के लोगों के जो आंकड़े देखता हूं और सुनता हूं, अगर इतना सब कुछ 10 साल में अच्छा हुआ है तो आप हंगर इंडेक्स में कहां खड़े हैं? अगर 10 साल बाद भी यही बात सत्ता पक्ष की तरफ से आएगी कि हम कहां खड़े हैं, आपने बड़ा सपना दिखाया मेक इन इंडिया, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट से सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद चुने जाते हैं, हमें कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला, प्रधानमंत्री जी मिले हमें, और अगर कोई सभापति महोदय कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला हो 10 साल में, कोई IIM मिला हो, कोई IIT मिली हो, और जो IIIT किसी समय पर उत्तर प्रदेश को मिली थी, क्या उसमें क्या सहयोग सरकार की तरफ से हुआ है? न केवल ये संस्थाएं बल्कि गवर्नमेंट जो एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेंट्रल की तरफ से कौन सी नई आ गई? मेडिकल के क्षेत्र में कोई बड़ा संस्था आई हो, जो 2 एम्स आए हैं, मुझे याद है कि रेबड़ी का एम्स भी समाजवादी सरकार में जमीन दी गई, उसके परिणाम है कि वह एम्स बन गया। गोरखपुर में भी जो एम्स आया, समाजवादी सरकार थी जमीन दी गई तब एम्स आया, कोई न, और जो एम्स आ भी गए हैं अगर वहां 2, क्या उनमें पर्याप्त इलाज मिल पा रहा है? केवल यही नहीं, मेक इन इंडिया सपना तो ये दिखाया गया था कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो नौकरियां मिल जाएंगी, कुछ हद तक तो बहुत सी चीजें प्राइवेटाइज हो गई लेकिन नौकरियां कम होती चली गई। और जो सबसे बड़ा सवाल है, जो पीड़ित परिवार के लोगों को जो हक और सम्मान मिलता है, क्या ये सरकार वो दे पा रही है? टैक्स कलेक्शन में सपना दिखा रहे हैं कि हम यहां पहुंच गए हैं, आखिरकार एक्सपोर्ट क्यों कम होता चला जा रहा है? और हम जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कैसे खत्म करेंगे? दस साल में अगर हम वहीं के वहीं खड़े हैं,
और कोई ऐसा कुछ न दिख रहा हो, और परिणाम जो रिजल्ट आए हैं यूपी के उसमें दिखाई दे रहा है कि आपने कितना काम किया है। सभापति महोदय, अगर ये सब कुछ अच्छा किया होता तो क्या परिणाम ऐसे आए होते?